महीने शादी प्यार से चलाने का प्रयास करा, उसके बाद बेटी अपनी रहती थी जी हाँ। तो वहाँ से दीपावली पे वो लड़का ये कह के आया कि मेरी बहन जो है शादीशुदा, उसकी लड़की की दोनों बहनें वहीं पर रहती, लड़का भी ला है। तो उसने कहा कि मेरी बहनों ने ये कहा है कि ये मकान सब कुछ हमारा है, यहाँ से भाग जाओ आप। जब ये बेटी घर पर आई तो मैंने कहा भाई उन बाप ने उनको निकाल दिया, मैं नहीं निकाल सकता, आप यहाँ रहो। इनकी पूरी व्यवस्था मैंने डेल्टा में कराई, उस पर रेंट रेंट कराया, उससे एफिडेविट दिया रखे से कि कोई भी मेरी बेटी की शिकायत होती है तो आप जो है मुझे बताएं, और आपके साथ कोई पापा की या किसी बात आती मैं आपके साथ रखूँ, घर चलाना है आपको। नौकरी भी उसकी मैंने अपनी जानकारी के अनुसार जैसी लगी वो भी लगा दी थी, 8 दिन के अंदर ही आपने लगवाई। जी हाँ जी हाँ, उसके डॉक्यूमेंट जो थे, ड्राइवर लाइसेंस भी नहीं था, मैंने गाड़ी अमेज गाड़ी दी थी, मैं हमारा कार कंपनी में जॉब कर रहा हूँ 8 साल से, तो ड्राइवर लाइसेंस भी मैंने बनाया, सब कुछ व्यवस्था मैंने की, करीब करीब 3 साल में मैंने उसका ध्यान लगा दिया। उसके बाद 8 दिन वो ड्यूटी पे जैसे गया, जो 8 दिन के अंदर 3 दिन तो वो अपने घर चला गया, कंपनी से फोन आया कि कैसा था वो बल्लमगढ़ फैदाबाद जी। और ये कहाँ रहती हैं? ये अल्फा 2 में, H2 में उसने लिया हुआ था। मैंने डेल्टा में दिलवाया था, मेरा मकान अल्फा 2 में, ये डेल्टा में दिलवाया दूसरे से। ससुराल जो बल्लमगढ़, अब वही चला गया, उसने इसको 8 दिन के अंदर 3 दिन जो था अपने घर चला गया। जब मुझे पता लगा कंपनी से अगर लड़का 3 दिन तो छुट्टी में, तो मैंने इस बिटिया से लड़का 3 दिन तो छुट्टी में, तो मैंने इस बिटिया से पूछा, उस लड़के से पूछा जाए कि कहाँ रहते हो, तो बात खुली कि वो अपने घर जाता है, तो हमें गुमराह किया उसने। और अपने फैदाबाद थाने में उसने FIR दर्ज भी कर रखी थी पहले से, हमें कोई जानकारी नहीं दिया कि फैमिली कोर्ट में कि मेरा इनके साथ संबंध नहीं चल पाएगा, मेरे पास फाइल है, तो हमें कोई जानकारी नहीं दी। उसने 8 दिन के अंदर बिटिया को इतना मारा कि 4 दिन ये ICU में रहेगी, रिफर डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल। उसने ये कहा कि तुम्हारे पापा मुझे जो डांट रहे हैं कि 3 दिन वहाँ से हो गए, अगर आप जो है ये कर रहे हो तो मेरा यहाँ घर नहीं चल पाएगा, और मुझे जितना खर्चा चाहिए मेरा स्टैंडर्ड और है, मैं यहाँ नहीं कर पाऊँगा। तो इससे कहा कि आप चलिए घर में, बेटिया ने कहा जिस आदमी पापा ने तुम्हारे मुझे निकाल दिया तो मैं अपने पापा की सहमति से घर जाऊँगी वापस। तो ये जाने को तैयार नहीं, वो जबरदस्ती करने लगा, इसके साथ वो मारपीट की।